सर्बिया में आपका अच्छा घर बार शोहर बच्चे, फिर आप यहाँ पाकिस्तान में क्या करने आई हो? आई मेरे को क्या पता, मैं तो सिर्फ यहाँ नाचने आई हूँ। दिखा दे। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. यार बन बन के क्यों बोल रहा हूँ मैं। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Salah और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वायरल सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में। तो गाइस आप सबने तो इस लेडी को जरूर देखा होगा जो ऐसे ऐसे करके नाचती है, सर्बिया का ट्रेडिशनल डांस करती है। सच क्या है झूठ क्या है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम भी आज इसके बारे में कुछ बात करेंगे, थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे यार। इस सर्बियन लेडी की जो पहली वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, मतलब टिकटॉक पे वायरल हुई थी 2019 में। किसी को भी नहीं पता था कि ये कैसी दिखती है, बस एक बंदे ने इसकी रात को वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें ये ऐसे ऐसे करके डांस कर रही थी। ये सर्बिया का ट्रेडिशनल डांस है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। खैर ये बंदा उससे बच के आया था और उसने ये वीडियो अपलोड की थी। यार मुझे तो लगता है बिल्कुल फेक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सर्बिया की पुलिस भी इसे ढूंढने में लगी हुई थी। आई मीन लिटरली यार ये सब कुछ ड्रामा है। खैर 2019 के बाद दोबारा फरवरी 2023 में एक लेडी ने इसकी वीडियो बनाई थी जो उसके घर के बाहर डांस कर रही थी विंडो से। उसने फिर इस वीडियो को अपलोड किया, वो भी वायरल गई। यार मुझे तो लगता है ये व्यूज के लिए करते हैं सब कुछ, जैसे मैं अभी व्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करके। और गाइज मुझे पता है आप सब रियलिटी जानते हो, फिर भी आप सब यही कॉमेंट करोगे। ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉचिंग द वीडियो विदाउट योर परमिशन एंड थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो द बैक स्टोरी। मतलब क्या यार तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो या सचमुच तुम लोग यही सोचते हो कि ये सच में एग्जिस्ट करती है? मेरा तो यही मानना है कि ये सब कुछ ड्रामा है। हर एक बंदे की वीडियो देख लो जिसने ये वीडियो इसके बारे में वीडियो बनाई, उसके कमेंट सेक्शन में यही चीज भरी हुई है। ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉचिंग द वीडियो विदाउट योर परमिशन एंड थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो द बैक स्टोरी। पागल हो क्या? माना ही जाता है कि कुछ और लोगों ने भी इस लेडी को डांस करते हुए देखा है और यही कहते हैं कि अगर आप इसको डांस करते हुए देखो तो इसको इसके डांस में डिस्टर्ब ना करो, वरना ये चाकू लेके आपको मारने के लिए आ जाती है। अच्छा चलो मान लिया कि सर्बियन लेडी एग्जिस्ट करती है और इसके हाथ में चाकू है, और अगर ये चाकू लेके आपको मार देती है तो इस बंदे ने ये वीडियो कैसे अपलोड की? चलो हम ये भी कह लेते हैं कि वो बंदा किसी तरह बच के आ गया। क्या इस सर्बियन लेडी का अपना कोई घर नहीं है, घर बच्चे शोहर? ओ बहन तुम घर बैठो अपना अपने शोहर के सामने डांस करो, ये क्या? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब क्या फेमस होने के लिए अपने किसी और बंदे को कहोगे कि जाके सामने डांस करो और मैं तुम्हारी ऐसे ऐसे करना और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा और हम भी वायरल हो जाएंगे? लोगों का ना दिमाग उल्टा है। तो गाइज हमारे मजहब में यही बताया जाता है कि जिन एग्जिस्ट करते हैं। मान लो अगर ये जिन है भी सही तो आपने इसका फेस कैसे कैप्चर किया भाई, मुझे ये बताओ। ये जो सामने आपको वीडियो दिखाई दे रही है इसमें भी इसका फेस दिखाया, मतलब आप किसी जिन का फेस कैसे कैप्चर कर सकते हो? चलो कहते हैं कि किसी लड़की को जिन ने पोजेस कर लिया है, तो जिन क्या उसे पोजेस करने के बाद ऐसे ऐसे डांस करवाएगा? यार कुछ अक्ल करो। और हाँ ये लेडी सारी दुनिया के कंट्रीज में ऐसे ऐसे करके नाचती रहती है, पागल हो क्या? तो चलो गाइस सर्बियन लेडी को घर के बाहर ढूंढने चलते हैं। अबे यार ये तो मेरे सामने ही आ गई और इर्द गिर्द इतना अंधेरा क्यों छा गया है। चलो गाइस अब इससे बात करते हैं। सलाम अलैकुम आंटी। आंटी जी आपका कोई काम धंधा नहीं है, मतलब आप सारी रात ऐसे ऐसे करके डांस करते रहते हो, आप थकते नहीं हो? मतलब आपका काम धंधा है क्या? यही तो मेरा काम धंधा है रे। अबे यही काम धंधा तेरा? मेरा मतलब आपका ये काम धंधा है? अच्छा जी चलिए मान लिया आपका ये काम धंधा है, फिर आपको पैसे भी कोई देता है? या मतलब आप थकती नहीं है ये डांस कर कर के, आपकी कमर नहीं दुखती? मैं नहीं थकती। ओए कैसी लेडी है आप, सैल्यूट सैल्यूट। अच्छा एक बात तो बताओ, सर्बिया में आपका अच्छा घर बार शोहर बच्चे, फिर आप यहाँ पाकिस्तान में क्या करने आई हो? मतलब क्या ऐसी मजबूरी थी आप पाकिस्तान में आई हो, कोई रीजन है? आई मेरे को क्या पता, मैं तो सिर्फ ये नाचने आई हूँ।
हाय अल्लाह, कोई रीजन नहीं है। अच्छा अब तू ना यहाँ से जा, मेरा पारा हाई हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब ना कर डांस करते हुए, वरना ऐसे मारूंगी। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, आपका डांस डिस्टर्ब नहीं करा, बट एक बात करनी है आपसे। बात ये है कि आप ना जरा अपना घूंघट हटा के तो मुझे दिखाएं। क्या शौहर को कभी अपना घूंघट हटा के दिखाया है? मुझे दिखा दें। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। रुको, ये वाली वीडियोस तो देखते जाओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।